तीन भारतीय कप्तान जिनकी कप्तानी में भारत एक भी वनडे मैच नहीं हारा है। नंबर तीन, अनिल कुंबले। चेन्नई में 2002 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भारत की कप्तानी की थी। भारत ने मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। अनिल कुंबले का वह एकमात्र मैच था जिसमें वे कप्तान रहे थे। नंबर दो, अजिंक्य रहाणे। रहाणे का वनडे कप्तानी में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बीसीसीआई ने 2015 के जिम्बाब्वे दौरे पर 3 मैचों की सीरीज के लिए रहाणे को कप्तान बनाया था। भारतीय टीम ने इन सभी मैचों में जीत दर्ज की थी। नंबर एक, गौतम गंभीर। गंभीर ने धोनी की अनुपस्थिति में 2010 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में कप्तानी की थी। इसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक अन्य मैच में भी उन्हें मौका मिला और यह मैच भी भारत जीत गया था। गंभीर ने 6 मैचों की कप्तानी की और सभी मैच भारत ने जीते थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।